back to my YouTube channel Beauty with Brain. I hope you all are doing good. I know that in summer oily skin वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा problems हो जाते हैं. वैसे तो फेस ऑयल हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है. ये नेचुरली हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है. बट इन समर एक्सेस ऑयलिंग हमारे फेस पे तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लाइक एक्ने, पिंपल्स एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स. सो एक्सेस ऑयलिंग को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉर ऑयली स्किन. इस स्किन केयर रूटीन को आपको वीक में ओनली 2 टाइम्स फॉलो करना है और आपको फर्स्ट डे से ही रिजल्ट दिखने लगेगा. 5 रिजल्ट तो आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. बेल आइकन को दबाना मत भूलो. सो एवरी टाइम आई पोस्ट एनी वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड. सो लेट्स गेट फर्स्ट स्टेप 1. आपको चाहिए ये टोमेटो हाफ कटा हुआ. टोमेटो में आपको ऐड करना है शुगर एंड कॉफी, जो कि मैंने ये 2 रुपए वाली कॉफी को यूज किया है. आपको करना क्या है, टोमेटो में इस हाफ कटे हुए टोमेटो को पहले इसमें डिप करना है इस तरीके से. आप देख सकते हो मैंने टोमेटो में कॉफी एंड शुगर दोनों को ऐड कर लिया, मिक्स कर लिया. अब आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है. इसी से आपको सर्कुलर मोशन में यहाँ पे स्क्रब करना है. इस तरीके से आपको कम से कम 10-15 सेकेंड तक आपको इस तरह से स्क्रब करना है अपने फेस को. देख सकते हो सो गाइज, एज वी ऑल नो कि शुगर एंड कॉफी दोनों जो होते हैं वो स्क्रब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देते हैं. एंड टोमेटो को हम ऑयल रिड्यूसिंग इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं. ये हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. इससे जो हमारा जो ऑयल है हमारे फेस पर वो कम प्रोड्यूस होगा. तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे आप पूरे फेस पे अपने स्क्रब कर लोगे. आप चाहो तो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो इसको, नेक पे और आप अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो इस स्क्रब को. अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपको इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ऐसे ही अपने स्किन में सूखने के लिए. और 10 मिनट्स के बाद आपको अपने स्किन को वॉश कर लेना है, फेस को अपने वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से. सो गाइस, 10 मिनट्स के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैंने इसको ड्राई नहीं किया है. मैं इसको नॉर्मली सूखने दूंगी इसी तरीके से. आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपकी स्किन जो है वो क्लियर दिखने लगेगी. लाइक मी, ऑयल डर्ट जितने भी होते हैं साफ दिखने लगे हैं मेरे स्किन में. मुझे क्लियरिटी दिखने लगती है स्टेप को करने के बाद ही. ओब्वियसली स्क्रब करोगे आप तो आपको अपनी स्किन क्लियर दिखेगी ही. तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि अपना सेकेंड स्टेप. स्टेप 2 के लिए चाहिए होगा आपको 1/2 लेमन एंड हनी. सबसे पहले आप 1 टेबल स्पून हनी ले लेंगे बाउल में. एंड उसके बाद आप लेमन को स्क्वीज कर लेंगे इसमें. अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है लेमन एंड हनी को.
गाइस, अगर आपको पहले से ही एक्ने एंड पिंपल्स हो रखे हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज लेमन की वजह से आपके स्किन में इरिटेशन हो सकती है। सो अगर आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो पहले से तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। अब आपका हनी एंड लेमन का फेस पैक रेडी हो चुका है। अब आपको इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एप्लीकेटर हो तो आप फेस पैक एप्लीकेटर से भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो आप अपने हैंड से भी तरह से फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है। गाइस, वी ऑल नो दैट हनी एंड लेमन ये दोनों जो है ऑयल प्रोड्यूस जो करता है गॉज उसको रोकता है, यानी कि ये ऑयल जो भी प्रोड्यूस होता है एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस उसको रोकता है हनी एंड लेमन। तो ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, आपको इसको अपने नेक पे भी अप्लाई करना है, नोज पे, जहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है उस एरिया पे आपको ये अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपको इसको 15 मिनट तक एटलीस्ट छोड़ देना है इसी तरह से, और उसके बाद आपको फेस वॉश कर देना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है बट आपको इसकी दो तीन लेयर्स लगानी होगी जिससे कि ये अच्छे से आपके फेस पे लग जाए। ओके, सो अब ये लग चुका है मेरे फेस पे। अब इसको मैं 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, स्टेप टू इज़ ऑलरेडी डन, यानी कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिख रहा है मेरा फेस। अब आपको मेरी तरह से ऐसे स्किन बार बार टच नहीं करनी है अपने हैंड से, इससे और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और बैक्टीरिया जो भी होते हैं हमारे हाथों में वो हमारे फेस पे चिपक जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आप चाहो तो ऐसे ही इसको छोड़ दो स्किन को ड्राई होने के लिए, या तो फिर आप किसी कॉटन के कपड़े से अपने फेस को ड्राई कर सकते हो टैप करके इस तरीके से। और इसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है क्योंकि मॉइस्चराइजर से और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। आप चाहो तो गुलाब जल लगा सकते हो, या तो फिर अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो आप कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का ही यूज़ करें। गाइस, मैंने ऑलरेडी इसमें एलोवेरा जेल एंड गुलाब जल को मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में रख लिया है, इसको मैं हर फेस वॉश के बाद अपने फेस पे ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ। यस, फीलिंग फ्रेश। और ये इसे करने से दिन में आपके फेस पे ऑलरेडी ग्लो आ जाता है और आपका फेस जो है वो फ्रेश फील होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, या तो फिर आप अलग अलग से गुलाब जल एंड एलोवेरा जल लगा सकते हो अपने फेस पे। सो या गाइस, मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर की है, आपको अच्छा लगा होगा आई होप। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड yes, meet you in the next video. Bye-bye.